अल्मोड़ा के हवालबाग विकास खंड में बीटीसी की बैठक आयोजित की गई। इस बीटीसी बैठक में विकास खंड से आए मेंबर ग्राम प्रधानों द्वारा स्वास्थ्य, विद्युत, पानी, कृषि के साथ आपदा के मुद्दों को मुख्य विकास अधिकारी के सामने उठाया गया। इस दौरान जीउड कफून क्षेत्र के पंचायत सदस्यों ने कहा कि उनकी मांगों और प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारी अनदेखी कर रही है। वहीं ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी ने बताया कि बैठक में सदस्यों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई है, उन्होंने विभाग से संबंधित समस्याओं का जल्द ही समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज की बीडीसी की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही मूलभूत समस्याएं उठाई हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं जैसे बिजली को लेके हैं, उसमें हमारे जो यूपीसीएल के एक्सेंसार हैं वो भी मौजूद थे। पहले भी बीडीसी में वही समस्याएं उठा गई थी, इसको बहुत वैरायटी बेसिस पे मेरे स्तर पे भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो हमारे यूरेडा से रिलेटेड समस्याएं हैं या पीडब्ल्यूडी की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में जितनी भी समस्याएं हैं बार बार ये नेक्स्ट बीडीसी में ये ना उठें, उसका निराकरण किया जाए। उसमें मैंने जो वीडियो हैं हमारे उनको हमने निर्देश भी दे दिए हैं। आज की बीडीसी की बैठक में हमारे मुख्य रूप से बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई हुई हैं, और मैं समझती हूँ कि बीडीसी बैठक के ज़रिए कहीं हद तक इनको जो भी समस्याएं हैं इनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार 3 बैठकें यहाँ पहले हो चुकी हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ ग्राम प्रधानों की और बीडीसी मेम्बरों की एक पुरजोर मांग चल रही थी, जो जमानत राशि है वो जमानत राशि कभी लौट कर नहीं आती है, जबकि नियमानुसार वो कुछ पैसा तो जमा होता है। हमने ये जानना चाहा कि पिछला हिसाब क्यों नहीं आता है, आज तक नहीं आ रहा है। साथ ही अगर मेरे क्षेत्र में देखें तो आपदा के बाद किसी भी विभाग ने वहाँ पर पूर्ण रूप में लापरवाही बढ़ती है। अगर आप चौंसी मोटर मार्ग को देखते हैं, चौंसी डोबा, तो आपदा में टूटने के बाद अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। बिजली के खम्भे जस के तस पड़े हुए हैं जो आपदा में टूटे थे 2021 के बाद।